नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो सब्सक्राइबर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। कभी कभी हमारे लिए सामने वाले की चेतावनी को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ये कहानी भूतिया अस्पताल इसी के बारे में है। वीरा नगर में एक मेंटल हॉस्पिटल में एक बाहर सुबह एक ऑटो आकर थमा। गाड़ी से एक लड़का उतरा जिसका नाम कवि था और वहां अस्पताल के गेट की ओर बढ़ने लगा। जब कोई गाड़ी नहीं आया तो कवि ने खुद ही गेट खोलकर अंदर जाने का प्रयास किया। जैसे ही गेट खुला एक आदमी ने कवि से पूछा, क्या आप टीवी ठीक करते हैं? कवि ने उत्तर दिया, नहीं। उसके बाद उस आदमी ने खुद ही कवि को जोरदार थप्पड़ मारा और पूछा, तो तुम यहाँ क्यों हो, यहाँ क्या कर रहे हो? कवि थोड़ी हैरान में था। थप्पड़ खाने के बाद उसका सिर चकराने लगा, लेकिन वह खुद को संयमित रखकर कहा कि वहाँ नौकरी के लिए आया है। तब एक डॉक्टर आया, चार कंपाउंड गेट के पास पहुँचे। उन्होंने थप्पड़ खाने वाले आदमी को पकड़ लिया। डॉक्टर ने कहा, कंपाउंडर उसे ले जाकर तैयारी करो, मैं जल्दी आता हूँ। जब कंपाउंडर चला गया तो कवि डॉक्टर के पास गया और पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर पाटिल कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर ने कहा, ए ही पाटिल हूँ, तुम जाओ अपना नौकरी का पत्र दस्तर में जमा करो और फिर वहाँ से ड्रेस लेकर बंगल के केबिन में आओ। कवि थोड़ी देर में कंपाउंड की वर्दी पहनकर डॉक्टर के केबिन में पहुँचा। डॉक्टर ने बताया कि वह आदमी जिसे कवि गेट पर मिला था वही पागल है। वह कुछ दिनों से यहाँ पर आने वाले लोगों को टीवी ठीक करने वाला समझ रहा है और जब उसको पता चला कि वह वास्तव में टीवी ठीक करने वाला नहीं है तो वह उसे थप्पड़ मार देता है। उसके बाद डॉक्टर ने अपने अस्पताल के एक कंपाउंडर कांति को बुलाया और कवि का परिचय करवाने के लिए कहा। कांति ने कुछ ही देर में कवि को सबके साथ मिलवा दिया और फिर उसे मरीजों के कमरे में ले गया। वहाँ हर कोई कुछ न कुछ अजीब हरकत कर रहा था। कोई दिल टूटने वाली शायरी सुना रहा था तो कोई फिल्मी संगीत गाते डायलॉग मार रहा था। सभी मरीजों को देखने हुए कांति ने कवि से कहा कि आज के बाद तुम्हें इन सारी चीज़ों को झोलना होगा। इतना कहकर कांति वहाँ से चला गया। तभी कवि तो पता चला कि उसकी नाइट ड्यूटी थी। दिन के समय आराम करने के बाद कवि रात को मरीजों की देखभाल करने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे सभी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। अल्लाह करने वाले मरीज भी चुपचाप एक कोने में बैठ गया। यहाँ सब देखकर कवि को बड़ा अजीब लगा। उसने डॉक्टर से पूछा, आखिर ये सब क्या हो रहा है, सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं? डॉक्टर ने उत्तर दिया, इस अस्पताल में रात 12 बजे के बाद भूत घूमते हैं। वो सभी पुराने मरीज थे जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तुम संभल कर रहना। कवि को भूतों पर विश्वास नहीं था। उसने डॉक्टर की बात को हंसी में टाल दिया और अपना काम करने लगा।
उसी रात कवि अकेले बाथरूम में जा रहा था जब उसे लगा कि कोई उसके पीछे मुड़कर देखने पर कोई नहीं दिखा। कुछ देर बाद उसे फिर ऐसा ही महसूस हुआ। कवि ने सोचा कि ये भूत ही की बात उसके दिमाग में घुस रही होगी, इसलिए उसे वहम हो रहा है। बाथरूम करने जब कवि बाहर आ रहा था तो उसे शीशे में लिखा हुआ दिखा, आज तुम पागल हो जाओगे। कवि को लगा कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने इस बात का कोर नहीं किया और अपने काम पर लग गया। कुछ देर बाद कवि को एक तेज चीख सुनाई दी। वह दौड़ते हुए आवाज की ओर बढ़ा। जैसे ही कवि वहां पहुंचा, एक पागल ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। किसी तरह से कवि ने उस दरवाजे को खुलवाया। दरवाजा खुलते ही उस पागल ने कवि को हवा में उछाल कर गिरा दिया। कवि को इतनी जोर से गिराया था कि उसकी पीठ में गहरी चोट लग गई। तभी एक चोर की हंसी कवि को सुनाई दी। वही पागल हंसने हुए बोला कि मैंने कहा था न कि आज तुम पागल हो जाओगे। कवि ने गुस्से में चिल्लाने हुए कहा, पागल आदमी तूने क्या किया, रुक तुम्हें अभी बिजली का झटका देता हूँ। पागल ने जवाब दिया, अस्पताल में मिलने वाले बिजली के झटके से ही तो मेरी मौत हुई थी, अब तू क्या मुझे कोई शौक देगा, अब मुझे इनका डर नहीं। इतना कहते ही उस पागल भूत ने रवि को एक हाथ से पकड़ा और दूसरा हाथ स्विच बोर्ड में डाल दिया। इस तरह से कवि को बिजली का इतना तेज झटका दिया, उसकी चीखों से पूरा अस्पताल गूंज उठा। कवि की आवाज़ सुनकर अस्पताल में मौजूद नाइट स्टाफ दौड़ने हुए उस कमरे की तरफ आए। सबको वहां कवि बेहोश हालत में मिला। तुरंत कवि को मरीजों के बेड पर लेटाया। उसी दिन से कवि की दिमाग हालत खराब है। अब कवि अपने आप को उस अस्पताल का डॉक्टर समझने लगा। अपनी पागल स्थिति और डॉक्टर बनने के वहम के चलते कवि ने ब्लेड से अब तक कई लोगों का पेट काट दिया है। हर रात उस भूतिया अस्पताल से कवि की तरह की चीखने की आवाज आती है और किसी न किसी को वो भूत कवि की तरह ही पटक देता है। ये चीखने की आवाज़ हमेशा उसी समय आती है जब कवि को बिजली के झटके दिए जाते हैं। कवि कभी हमारे लिए सामने वाले की चेतावनी को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। हमेशा सतर्क रहना चाहिए। थोड़ी सी भी सावधानी हटने पर भयानक दुर्घटना घट सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका कैसी लगी है हमारी स्टोरी भूतिया अस्पताल। एक कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, इसके पीछे हमारा उद्देश्य किसी की प्रकार अंधश्रद्धा का प्रचार करने का नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक और प्रेस कर दीजिए। तो थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।